हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने पत्ते भले ही ना खोल रही हो, लेकिन कांग्रेस के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खुले तौर पर भले ही अपने पत्ते नहीं खोल रही हो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा पार्टी हाईकमान को जाहिर कर दी है। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुताबिक कांग्रेस को इनेलो का साथ नहीं देना चाहिए। कांग्रेस को इनेलो का समर्थन नहीं करना चाहिए, ना ये किसी व्यापारी के बाद उठाएंगे, ना ये उठा रहे, इसलिए इसको समर्थन नहीं करना चाहिए। समझता हूँ कि भाई कांग्रेस ने जो है हमेशा समाज की सेवा की है, कांग्रेस और इसीलिए जो है कांग्रेस को सुभाष चंद्रा जी समाज सेवी होने के नाते उनका साथ देना चाहिए। जो समाज सेवी आदमी है सुभाष चंद्रा जी, होने के तौर पर इनेलो से क्यों नहीं? इनेलो का तो कांग्रेस का तो कभी बना नहीं। इनेलो कांग्रेस तो हमेशा इधर विपक्ष में रहते हैं, हाँ। और सुभाष चंद्रा समाज सेवी हैं तो उन्हीं की तरफ वोट जाने चाहिए। तो किसको समर्थन करना चाहिए कांग्रेस को? कांग्रेस को सुभाष चंद्रा जी को, चंद्रा जी को ही देना चाहिए। क्यों लगते हो आप ये व्यक्तिगत राय? क्यों व्यक्तिगत राय? इनकी इनोला की और कांग्रेस की तो कभी जय बनी नहीं है ना। इनेलो पार्टी की जहाँ तक बात है, मेरे को नहीं लगता कि हमारे लीडरशिप उनसे मदद लेगी, हमसे देगी। तो ये है जी, कट्टर विरोधी पार्टी इनेलो ही हमारी, तो वोट तो इनेलो को नहीं देनी चाहिए। और ये हमें, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ये फैसला लेगी कि इन लोगों को वोट दी जाए। हिसार हो या झज्जर, फरीदाबाद हो या सोनीपत, या हरियाणा का कोई भी हिस्सा हो, जमीन से जुड़े कांग्रेसियों को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस इनेलो समर्थित उम्मीदवार को समर्थन नहीं करेगी। इनेलो के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेगी, उसको सुभाष चंद्रा को सपोर्ट मेरे हिसाब से करेगी। इस तो इनेलो का समर्थन करेगी नहीं, क्योंकि इनमें कभी भी बनती नहीं आपस में। और सुभाष चंद्रा जो समाज सेवी है वो कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस इसका समर्थन कर सकती है। मेरे हिसाब से तो अभी इसको बिल्कुल समर्थन नहीं देना चाहिए कांग्रेस को, समर्थन नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो फिर समर्थन तो मेरे हिसाब से इनेलो को नहीं करना चाहिए, उनको ही कर देना चाहिए। इनेलो को नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। क्यों नहीं लगता कि ऐसा कांग्रेस पार्टी करेगी? नेशनल लोकदल के साथ इसका, हमारा कांग्रेस पार्टी का जाने का कोई औचित्य नहीं है, करना चाहिए। मैं तो नहीं चाहूंगा कि भाई उनके साथ हम जाएं, किसी तरीके की उनकी मदद करें या उनसे मदद लें। बढ़िया से बढ़िया उम्मीदवार है, उसी की तरफ कांग्रेस का झुकाव होना चाहिए, जैसे सुभाष चंद्र है। कांग्रेस के जो है उनको अपने विचार सोच समझ के और डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सपोर्ट करनी चाहिए और उनको विजयी बनाना चाहिए। सुभाष चंद्रा को देना चाहिए, अपने हरियाणा में अच्छे विकास कार्य होंगे। और कांग्रेस को डॉक्टर सुभाष चंद्रा को ही समर्थन देना चाहिए, उन्हें कांग्रेस के विधायकों को सुभाष चंद्रा को ही वोट देना चाहिए, डॉक्टर सुभाष चंद्रा को ही समर्थन करना चाहिए। वो हमारे लोकल यहीं के है और बहुत अच्छे आदमी है। इन लोगों का कैंडिडेट है, उसको कोई जानता ही नहीं है। जमीन से जुड़े कांग्रेसियों ने अपनी भावनाओं से हाईकमान को वाकिफ करवा दिया है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुभाष चंद्रा के समर्थन की भी मांग कांग्रेस हाईकमान से कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।